नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाखों रुपए की दवाइयां खाने से बेहतर है कि रोज इसकी सिर्फ दो पत्तियां चबा लें, कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अमरूद एक बहुत ही मनपसंद फल है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई तरह के स्वास्थ्य गुणों से भी भरपूर है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान हैं कि अमरूद के पत्ते भी हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमरूद के पत्तों में मौजूद अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। त्वचा, बाल और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अमरूद की ताजी पत्तियों का रस या इसकी बनी हुई चाय हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे अमरूद की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। वजन में लाए कमी। अमरूद की पत्तियां जटिल स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को रोकता है, जिसके द्वारा शरीर के वजन को घटाने में हमें सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते कार्बोहाइड्रेट की गति को रोकते हैं, जो उपलब्ध यौगिक के रूप में लीवर में टूटता है और हमारे वजन को कम करता है। मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद। जापान के यकुलट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अमरूद के पत्तों से बनी चाय पर एक शोध किया गया। शोध के अनुसार अमरूद के पत्तों से बनी चाय में अल्फा ग्लूकोसाइडिस एंजाइम गतिविधि को कम कर मधुमेह रोगियों में प्रभावी रूप से रक्त शर्करा को कम करती है। इसके अलावा यह सुक्रोज और माल्टोज को सोखने से भी शरीर को रोकती है, जिससे शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अमरूद की पत्तियों से बनी चाय 12 सप्ताह तक पीने से इंसुलिन के उत्पादन में वृद्धि के बिना रक्त में शर्करा के स्तर को कम किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर प्रभाव। अमरूद के पत्तों से बनी चाय दिल और संचार प्रणाली के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। 2005 में प्रकाशित एक प्रयोगशाला अध्ययन के मुताबिक अमरूद के पत्तों में मौजूद यौगिक रक्तचाप और हृदय की दर को कम करने में मदद करते हैं। अमरूद के पत्तों से बनी चाय के सेवन से ब्लड लिपिड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का न्यून स्तर और अस्वस्थ ट्राइग्लिसराइड में सुधार करने में हमें मदद मिलती है। डायरिया का उपचार। अमरूद की पत्तियां डायरिया और पेचिस के लिए अद्भुत उपचार भी हैं। समस्या होने पर 30 ग्राम अमरूद की पत्तियां और एक मुट्ठी चावल के आटे को 2 गिलास पानी में उबालकर लें और डायरिया के इलाज के लिए इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिएं। पेचिस के इलाज के लिए अमरूद की पत्तियों और जड़ों को लेकर 90 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए उबालें। इस पानी को छानकर दिन में 2 बार सेवन करने से पेचिस से राहत मिलती है। पाचन तंत्र में सुधार। अमरूद की पत्तियां पाचन एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाकर पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करती हैं। शक्तिशाली एंटी बैक्टीरियल एजेंट प्रभावी ढंग से पेट के स्तर से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने और बैक्टीरिया से विषाक्त एंजाइमों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। अमरूद के पत्तों से फूड पॉइजनिंग, उल्टी और मतली से भी आपको राहत मिलती है। एलर्जी को दूर करे अमरूद की पत्तियां। अमरूद की पत्तियों का रस किसी भी प्रकार की एलर्जी को दूर कर सकता है। अमरूद की पत्तियों में एलर्जी अवरोधक गुण पाया जाता है। यह उस वायरस को खत्म करता है जिससे एलर्जी पैदा होती है। साथ ही यह एलर्जी से होने वाली खुजलाहट को दूर करने में भी बहुत अधिक मददगार है। एलर्जी में खुजलाहट बहुत ही आम होता है, अतः एलर्जी को कम करने से खुजलाहट अपने आप कम हो जाती है। मुहासों की समस्या से दिलाए निजात। अमरूद की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण बैक्टीरिया को दूर करने में ये मदद करती है। मुहासों की समस्या में ताजी पत्तियों को पीसकर दाग धब्बों के साथ मुहासों पर लगाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से धीरे धीरे मुहासों की आपकी समस्या सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भी इन लाखों रुपए की दवाइयों का प्रयोग करने के बजाय इन अमरूद की दो पत्तियों का प्रयोग करें और फिर देखें चमत्कार, कैसे आपके शरीर से सभी तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आप बन जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।